वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। कि लोग गुस्से में या जलस जेलसी में आके कोसना दे देते हैं, कोई बद्दुआ दे देते हैं, तो हजरत क्या ऐसी जज्बात में आई हुई दुआ अल्लाह क्या कबूल हो जाती है? और अगर वो कबूलियत की घड़ी है खास तौर पे, तो क्या वो नाजायज कोसा दिया हुआ कबूल हो जाएगा? अच्छा सवाल, क्योंकि लोग बड़े डरते फिरते हैं, यार उसने हमें कोसना दे दिया, अब तो हम पता नहीं क्या होगा हमारा। नहीं, लेकिन ये सही है, हो जाता है। अच्छा, कबूलियत की घड़ी हो वो हो जाता है उसके। अच्छा। ये अलबत्ता अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से जो महरम रिश्तेदार मतलब माँ बाप हैं वो कोसना औलाद को दे दें, अल्लाह के नबी ने इसका इस्तिस्ना करवा लिया था। अच्छा, हाँ, इस क्योंकि माँ गुस्से में कह देती बेटे को कुछ बदवा दे देती, बाप कुछ कह ही देता है। जी, जी, अब अल्लाह के नबी इसका इस्तिस्ना करा लिया कि अल्लाह ये माँ की ममता तो यकीनी है, इसलिए अगर कहा तो किसी गुस्से और गलबा हाल में कह दिया मगरूब होकर, लेकिन ये बदवा देना ही चाहती, कल को अगर उसको हालात आ गए तो इसी माँ से बर्दाश्त नहीं होने, इसीलिए तुझे पुकारना। तो गया कि इसलिए नबी ने फरमाया कि इनकी महरम ये जो रिश्तेदार है इनकी दुआ कबूल नहीं होती। अच्छा। लेकिन बाकी जो है किसी की किसी हाल में मांगी बदवा घड़ी होगी या कबूलियत की कबूल हो जाएगी। अच्छा, इसलिए एहतियात करनी चाहिए करने में। लेकिन अगर किसी ने किसी को तकलीफ पहुंचा दी और उसने उसको जो बदवा दे दी और गुस्से में कह दिया, तो बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला जो है कबूल कर सकते कर सकता है। ठीक है।